हेलो दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत से अनसॉल्व्ड रहस्य हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं। उन्हीं में से एक रहस्य के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, महाभारत के अश्वत्थामा को आप जानते ही होंगे। अगर आपको कहा जाए कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है तो शायद आप विश्वास ना कर सकें, लेकिन यह सच है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को एक चुक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। कहीं कहीं पे तो इसका सबूत भी मिलता है। इसी में से एक राज्य है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी इससे जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई और वे पागल हो गए। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। ठीक इसी प्रकार जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा का भटकने का उल्लेख किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है तो वे यहाँ पे आते हैं और अपने मस्तक के घाव से बहते हुए खून के लिए कभी कभी तो वे हल्दी और तेल का भी मांग करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बात सही है? अपना राय कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को दूसरों को